जो भी डेट डिसाइड हो विशेष के पिंडदान करने की, आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं सारे इंतजाम करवा दूंगा। मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। रविंद्र भैया के बाद इस कुर्सी पर बैठने का हक अब विशेष का ही है। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम विशेष को भी अपने साथ ऑफिस लेके जाया करो। रुक जाओ विशेष, ये घर तुम्हारा भी है, इस पर तुम्हारा भी अधिकार है, हक है तुम्हारा, कहीं नहीं जाओगे तुम। खाना खाया तुमने? हाँ, नहीं। क्या खाओगे तुम? मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? आखिर ये विशेष का ही हक है, इसीलिए तो मैं लाया था उसे। मुझे लगता है अब मुझे भी अपने बेटे होने का फर्ज निभाना चाहिए, मुझे भी अपने पिता अर्जुन राय को ढूंढना चाहिए। मैं उन्हें उनकी खोई हुई जिंदगी तो नहीं लौटा सकता, लेकिन उनकी बची कुची जिंदगी को खुशियों से भरने की कोशिश तो कर ही सकता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे विशेष को बिजनेस के तौर तरीके समझाने होंगे ताकि वो अपनी जिम्मेदारी संभाल ले और मैं आसाद हो जाऊं। कहाँ गई इसकी चाबी? तो सिर्फ आज जब तुम बिजनेस संभालने जा रहे हो तो एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। ये चाबी हमारे लॉकर की, उस लॉकर की जिसमें तवानिया शिपिंग के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट, सारे बिजनेस सीक्रेट्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विशेष, आज से ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। इसकी चाबी तो सिर्फ विशेष के पास थी। क्या हुआ सनी? हुआ वो कुछ नहीं। तुम ऑफिस से इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, वो काम में मन नहीं लग रहा था। तो ऐसा कहो ना, कहने में कोई टैक्स लगता है? अब मन लगेगा भी कैसे जब दिल में हजारों सवाल उठ रहे हो, तूफान मचाओ, मन क्यों लगेगा? कोई खास बात करने आई है? खास बात तो है ही सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इस घर में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। वैसा क्या हो गया यहाँ पर? क्या हुआ समीर? जिस इंसान को भैया ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो
उस इंसान को इस घर में बुलाने की जरूरत क्या थी? किसकी बात कर रही हैं? किसे घर में ले आए? कहने में कोई टैक्स लगता है? तुम्हारे भारे 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 पिता अर्जुन रहे अर्जुन क्या? उन्हें कौन ले आया यहां पर? दमयंती भाभी, उन्हीं के हिसाब से तो सब कुछ होता है इस घर में। जो वो कहती है वो ही किया जाता है। और फिर बुलाया तो बुलाया, फिर उस इंसान की इतनी बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी? बेइज्जती करके उसे इस तरह से घर से निकाल तो नहीं देना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें हमेशा लगता है ना समीर कि मैं झूठ बोलती हूँ? डाली रे डाली, क्या खूब नजर डाली, मगर जब हमने नजर डाली तो मालूम है क्या हुआ? माली ने डाली ही क्या डाली। कौन है? शेष बेटा सोए नहीं अभी तक? जी वो बस सोने ही जा रहा था। रिश, हमारे खानदान के तुम इकलौते और आखिरी चश्मो चिराग हो, आखिरी उम्मीद हो तुम। हम सबको पूरा यकीन है कि तुम इस घर को और बिजनेस को बहुत अच्छी तरह संभालोगे, दवानिया की ताकत बनोगे तुम। रिश, आज अगर तुम्हारे पिता रविंद्र जिंदा होते तो तुम्हें देखकर कितने खुश होते। मेरी मानो बेटा, वो आज भी हमारे साथ है, उनका विश्वास हमारे साथ है। हमारे और उसके विश्वास को कभी मत तोड़ना, और जो भी करना है उससे पहले अपनी मान मर्यादा का ख्याल जरूर करना। जी जी दादाजी, आप बस मुझ पे यकीन रखिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सो जाओ। क्या बुआ जी सच कह रही थी? मां ने तो हमेशा मेरी खुशी चाहिए, तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगी? मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम मानो तो। क्या मान? तुम अपने पिता को इस घर में ले आओ, अपने घर में। समझती हूं मैं कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे पिता अर्जुन राय को लेकर कैसी उथल पुथल मच रही हो, लेकिन बेटा अगर उनके लिए तुम्हारे दबे हुए जज्बात जाग रहे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन बच्चे तुम अपने आप को अकेला क्यों समझ रहे हो? मैं हूं ना, तुम मेरे बच्चे हो, और अगर बच्चे को कोई भी तकलीफ होती है ना तो सबसे ज्यादा दर्द मां को ही होता। मां ने तो बाबा को घर लाने की बात मेरी खुशी के लिए ही की थी, तो फिर वो उन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर क्यों निकालेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज जो ऑफिस में हुआ उसका मैं क्या करूं? चाबी तो विशेष के पास ही थी, तो फिर लॉकर में से वो फाइल गायब कैसे हो गई? क्या इसके पीछे
विशेष का हाथ है या कोई और? मैंने कह दिया ना, मैं पिंडदान नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। कहने में कोई टैक्स लगता है? कैसे नहीं करोगे पिंडदान? जैसे मैंने कहा। पिंडदान तो तुम क्या, तुम्हारा बाप भी करेगा। जाओ ना, बाप को ढूंढो। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो विश, पिंडदान तुम करोगे चाहे तुम प्यार से करो या जबरदस्ती। ये कौन करेगा जबरदस्ती? कौन करेगा मेरे साथ जबरदस्ती? तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी विश कि पिंडदान तो तुम्हें करना ही होगा। तुम क्या समझते हो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत जो की वो तुम्हारे लिए की है? नहीं, अपने लिए की है। और तुम्हारी इस जरा सी बेवकूफी की वजह से मैं ये दौलत अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। लेकिन मैं चाहूं तो भी ये पिंडदान नहीं कर सकता। क्यों? अरे जब मैं उसका, रविंद्र दवानिया का असली बेटा ही नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ पिंडदान? जब इस घर के लोग तुम्हें रविंद्र दमानिया का इकलौता वारिस मान चुके हैं, तो तुम्हारे ऊपर ये सच्चाई का भूत क्यों सवार है? देखो, ये सब, ये पिंडदान विंडदान, ये सब भगवान की चीजें हैं। मैं इंसान चाहे जितना मर्जी बुरा बन जाऊं, लेकिन ऊपर वाले से कभी पंगा नहीं लेता। ये काम गलत है और मैं नहीं करूंगा। गलत क्या है और सही क्या है, अब मुझे तुमसे ये सीखना होगा? अरे तुम्हारी तो सारी जिंदगी गलत है, खराब है। कान खोल कर सुन लेना, तुम्हें हर कीमत पर पिंडदान करना होगा। विशेष के कमरे में, और वो भी इतनी रात को। रविंद्र भैया इस घर के मुखिया थे, उनके बाद विकी इस घर का वारिस। बैठो बैठो। रविंद्र भैया के बाद इस कुर्सी पर बैठने का हक अब विशेष का ही है। जरूर कोई साजिश है, जरूर, और हो भी सकती है। बुआ जी जायदाद हड़पने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कि मैं बुआ जी को इस साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। विशेष, मुझे इसकी सच्चाई का पता लगाना ही, वो भी पिंडदान से पहले। मुझे विशेष के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कब पैदा हुआ, कब तक कहां था, किसके साथ, और ये सारी जानकारी मुझे 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए। मिस्टर समीर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे नतीजे चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आपने मिस्टर हिंगुरानी के साथ मीटिंग के लिए कहा था। हाँ, वो मीटिंग बाद में करेंगे, आप इनसे मिलिए। ये मिस्टर नायक है, बहुत बड़े डिटेक्टिव है, आप इनसे फॉलो अप कर लीजिए। श्योर सर। मिस्टर नायक, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विशेष के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। थैंक यू। शीतल, तुम जानती हो तुमने मुझे कितना बदल दिया है? कितना सर? फिर से सर?
तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे सर मत बुलाया करो। देखो शीतल, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम मुझे विक्की बुलाया करो। विक्की क्यों, तुम मुझे विक बुलाया करो, विक। सॉरी विक्की, ये विक को ज्यादा ही छोटा नहीं हो जाएगा? शीतल, प्यार जितना बड़ा हो नाम उतना ही छोटा होना चाहिए, ठीक है? और आज हम दोनों मिलके एक नया इतिहास रचेंगे, कंपनी के मालिक और सेक्रेटरी के प्यार का इतिहास। शीतल, वैसे तो लड़कियां लड़कों को अंगूर खिलाती हैं और साथ में डांस भी करती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें अंगूर खिलाऊंगा। और डांस तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इसी केबिन में दुनिया घुमाऊंगा। दुनिया है क्या, मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा। मतलब विक, दुनिया की सैर तो ठीक है, लेकिन मैं जन्नत की सैर नहीं करूंगी। अब क्यों? क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई ना अब तक। शीतल, तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मिडिल क्लास बातें मत किया करो। देखो, तुम बड़े घर की बहू बनने वाली हो, इस तरह की गांव वाली जैसी बातें मत करो, तुम हमेशा भूल जाती हो। ओह, मैं तो भूल गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम भूल कर रही हो। नहीं, मुझे उस जासूस को फोन करना था ना। जासूस? तुमने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं? मैंने नहीं, समीर सर ने। समीर ने? क्यों? पता नहीं, शायद वो किसी के बारे में तहकीकात करवाना चाहते हैं। तहकीकात किसकी? ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, पर शायद विशेष सर के बारे में। क्या? हाँ। शीतल, मैं अभी आया। मॉम, बुरी खबर है, अब तो बस अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और घर से निकल लो। तुम चुप रहो, इतनी बकवास करोगे तो मैं ही तुम्हें घर से निकाल दूंगी। हाँ हाँ, तुम ही निकाल दो, इससे पहले कि वो लोग हमें घर से निकाले तुम ही मुझे निकाल दो। देखिए, तुम अपना दिमाग ठंडा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मॉम, तुम बात को समझ नहीं रही हो, समीर ने अपना रंग रूप बदल लिया है, उसने विश के पीछे जासूस लगा दिए हैं। जरूर हम पे शक हो गया है, या विश पे शक हो गया है। ये विश अपने आप को बहुत चालाक समझता पर है बिल्कुल नालायक, जरूर उसने कुछ गड़बड़ की होगी। मॉम, ये सब बात नहीं है, ये सब छोड़ो और अब घर से निकलते हैं, भागने की तैयारी कर लो। मैंने कहा ना, तुम अपना मुंह बंद रखो, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, मगर जो भी करेंगे जेल जाने से बेहतर होगा। अच्छा, चलो वहीं चलते, तेरा गुजारा तो हो जाएगा, पर वहाँ तुम्हें कोई डिस्को नहीं मिलेगा। मॉम, मैं अपने सारे शौक छोड़ सकता हूँ, लेकिन जेल की चक्की नहीं पीस सकता। देखो मॉम, अगर विश पकड़ा गया ना तो वो हमारा नाम भी जरूर ले लेगा। देखो विक्की, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, इस बार जो मैंने षड्यंत्र रचा है वो चक्रव्यूह से भी मजबूत है, उसे तोड़कर मुझ तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, समझे? मॉम, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार ये युद्ध नहीं है, ये महायुद्ध है और हम सब मारे जाएंगे। ओ, मैंने कहा ना मुंह बंद रखो, जब भी बोलोगे बुरा ही बोलोगे। सिर्फ इतना बताओ कि विष कहाँ है। अरे कमाल करती हो मॉम, अगर मैं अपना मुंह बंद रखूंगा तो ये कैसे बताऊंगा कि विष कहाँ है? चुप रहो, मैं खुद ही फोन कर लूंगी उसे। बेवकूफ। आओ विशेष।